हेलो स्टूडेंट, आई एम आर पी यादव, योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे सेशन मस्ट बी डिस्कस अबाउट सुपर ट्रिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक। तो एक फार्मूला है बच्चों कि सिंपल ट्रिक हम पढ़ने जा रहे हैं। एच इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, वेयर दीज आर एच नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम। ध्यान दे बच्चे लोग, सेंट्रल एटम वो होते हैं जो मिनिमम नंबर में होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एटम वो होते हैं जो कि मिनिमम नंबर में होते हैं, या अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो होता क्या है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है, या फिर भी बात नहीं बनती तो लार्ज साइज का होता है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम। तो आपसे काम चल जाता है, जो मिनिमम नंबर में होता है दैट इज सेंट्रल एटम, ठीक है। एम जो है दैट इज मोनोवैलेंट, एम जो होता है मोनोवैलेंट एलिमेंट अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। मोनोवैलेंट एलिमेंट अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम का मतलब हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी वन होती है। ध्यान दें बच्चे लोग, मोनोवैलेंट ओनली हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बस ओनली, ठीक है। अब सी अगर वो स्पीसीज कैटायन हो तो नंबर ऑफ चार्ज एट कैटायन, ठीक है। अब नंबर ऑफ चार्ज कैटायन दैट इज ए सी है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे सी एच एन एच फोर प्लस है तो इस पर ये कैटायन है, दैट इज कैटायन, और इसमें सी की वैल्यू वन आएगी क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कितना है, वन है, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बोनेट है तो ये एन आयन है बच्चे लोग, ये एन आयन है, इसे हम ए से लिखते हैं, इस पर दो चार्ज है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी दो। तो बस यही है, सी नंबर ऑफ चार्ज एट कैटायन, ए नंबर ऑफ चार्ज एट एन आयन और कैटायन, ठीक है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल है, एच की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। एच जो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चे लोग। हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब होता है कि कितनी ऑर्बिटल उस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेटेड किए हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर पाई बॉन्ड की कोई अहमियत नहीं होती है हाइब्रिडाइजेशन में, चूँकि पाई बॉन्ड अनयूज्ड ऑर्बिटल होते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते बच्चे लोग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाई बॉन्ड अनयूज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं और इसका किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। अगर एच की वैल्यू निकाल लो दो आ गए, इसका मतलब एक यस है एक पी है, ठीक है। दो मिल करके कितने, दो, इस प्रकार से ये आया तो ये हो रहा है, तो ये आया तो ये, इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये। अब जैसे देखो sp3 में एक यस है, तीन थ्री है, टोटल कितने फोर हैं। sp3d1 में क्या है, एक यस है, तीन पी है, वन वन फाइव हो गया। तो इस प्रकार से, तो जैसे एग्जांपल हम देते हैं CH4 का, तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम देखते हैं। तो सेंट्रल एटम इसमें कौन है बोलो, कार्बन है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें बच्चे लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं बच्चे लोग, ये ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं। कार्बन फोर्थ ग्रुप का है इसलिए फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मोनोवैलेंट की बात आई, अब फार्मूला कहता है कि ये एच इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो V की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई, चार हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें M की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। M जो है मोनोवैलेंट होता है और हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है, तो इसकी वैल्यू हो गई चार। और चूँकि ये कैटायन एनायन नहीं है इसलिए इनकी C और A की वैल्यू जीरो हो गई। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो H की वैल्यू कितनी आएगी, वो चार चार आई, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया, sp3, ठीक है। और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ज़रा इसको और क्लियरिटी आ जाएगी।
ऐसे देखिए, जैसे H2O है तो बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, बोलो, जो कम मात्रा में है। अब सेंट्रल एटम तो हो गया, अब इससे हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, दो। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है तो O है, तो O के का वी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे लोग, 6 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन M, अब हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है तब इसकी M की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सी कैटान भी नहीं है और ए एनायन भी नहीं है, अतः यहाँ पर एच इज इक्वल टू 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए में रखेंगे तो आया 1/2 बी की वैल्यू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 हो गए, और 6 प्लस सेंट्रल इलेक्ट्रॉन माइनस सी 0 प्लस 0, अब आया कितना बोलो, 1/2 आया, ये आपका निकला 8 इज इक्वल टू 4, मतलब sp3 ऐसा। उसी तरह से और एग्जांपल देखो, जैसे अमोनिया है, बताओ इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, यस, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सी इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पर आपका A इज इक्वल टू भी 0, बस फार्मूले में रख दो, तो एच इज इक्वल टू 1/2 वी माइनस बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए में, तो 1/2 आया, V की वैल्यू 5, 3 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू आया 4, तो आया आपका sp3। ठीक, और उसी प्रकार से अगर वो चार्ज होता है, जैसे कि कार्बोनेट में पूछिए, कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो इसमें C की वैल्यू कितनी है, 4, चूँकि फोर्थ ग्रुप का है। और अब बताओ M की वैल्यू बच्चे लोग 0 है, चूँकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, मोनोवेलेंट में बस इतने ही होंगे, मोनोवेलेंट में बस इतने ही होंगे, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो यहाँ पर अब सी कैटायन है, कैटायन तो है नहीं, हाँ ए एनायन है, एनायन की वैल्यू कितनी है बोलो, 2 है, तो फार्मूले में रख दो, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और आपका 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2, अब यार 6 पर डिवाइड बाय 3, मतलब एस टू से हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप देखिए कुछ और भी हैं, जैसे अमोनियम आयन में आपसे पूछा, अमोनियम आयन तो नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, फिफ्थ ग्रुप का है, इसलिए बी की वैल्यू 5 हो गई। ये अब इससे अटैच्ड है मोनोवेलेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट है, तो एम की वैल्यू आ गई है 4 जी, और चूंकि कैटायन है, हाँ इसकी वैल्यू 1 है, और एनायन तो है ही नहीं, 0 है, फार्मूला तो एच इज इक्वल टू 1/2 और V प्लस एम माइनस सी प्लस ए में, तो एच इज इक्वल टू 1/2 इसकी वैल्यू आई आपकी 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0, अब इसकी वैल्यू आई 4, कैलकुलेट करो 4, मतलब sp3 है। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से सभी बच्चे निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, दैट इज सुपर ट्रिक। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक नंबर टू, देखो ट्रिक टू वही है, एच निकाल लेते हैं, एच इज इक्वल टू होता है बच्चे लोग नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।